जो व्यक्ति जीवन को पढ़ता है उसे पंडित माना गया है। तो जीवन क्या है? तो का वेद पाठन भवेत विप्रह, वेद आदि जो कहते वो जीवन, और वो कोई पढ़ता है वह पंडित बनता है। और एक बार जो जीवन में पंडित बन गया वो कभी खंडित नहीं होता। और मैं 7 दिन में अब आपको खंडन से रोकने के लिए आया हूं। और ज्यादातर लोग पांडाल में जो बैठे हैं वो सब मुझे सुनते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। मैं ही नहीं जानता आपको ज्यादा, कुछ लोगों को ही जानता हूं, अब जानूंगा धीरे धीरे, पर आप सब लोग जानते हैं। कोई बुलाया है मुझे, क्योंकि अपरिचय में कोई किसी को क्यों बुलाए। आपने भी श्लोक सुना होगा, अखंड मंडला हरम व्याप्तम एक चराचरम। ये श्लोक हमारे लिए ही भगवान ने लिखा हुआ दिया हुआ, अखंड मंडला हरम। भगवान कहते हैं मेरा रूप कैसा, मेरा स्वरूप कैसा, मैं कैसा हूं, तो कहते अखंड मंडला हरम। पूरे भूमंडल में मेरा आकार कभी कोई माप नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। फिर भगवान ने कहा कि चराचरम, सारे चराचर में, सारे जगत में 3 लोक 14 भवन में भगवान के रूप को आप कहीं देख नहीं सकते। सब जगह है पर दिख नहीं सकते। कब देखेंगे? तो कहा भगवान दूसरे अक्षर कहते हैं तो जीवो आत्मनम गति। जब जीव भगवान की जो औलाद है, जो मनुष्य है, जब वो अपने रूप को समझ जाता है तब भगवान का रूप उसे दिखाई पड़ता है, अन्यथा वो कभी दिखने वाला नहीं। अच्छा बोलो, सच बताना, आपकी आंखों पे काली पट्टी बांधे और आपको शीशा के सामने खड़ा कर दे, थोड़ा दिखे? सावले जी, दिखता है कि नहीं? नहीं, आप समझ गए सर। कहने का मतलब है कि शीशा में अगर कुछ देखना है तो किसको देखते हैं शीशा में, बताओ किसको देखते हैं शीशा में? ये तो पक्का है कि दूसरे को नहीं देखेंगे, तो कह दो खुद को देखते, कह दो ना। और जब खुद को देखते हैं तो क्या क्या फायदा होता है? कंघी करते हैं, बाल सही करते हैं, काजल सही करते हैं, आंख सही करते हैं, है? कभी नाक में मछली नहीं जा रही है तो शीशा के सामने करते हैं, तो फायदा है? कहने का सीधा अर्थ यह है कि रामायण के माध्यम से समझा रहा हूं सरलता से, आदमी अपने ही रूप को जब देखे तो शीशा की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जब अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को देखना है तो सदगुरु की जरूरत पड़ती है, उसके सिवा देखने वाला। इसीलिए मध्य प्रदेश के लोग क्या कहते हैं कि पानी पियो, छान करो और गुरु बनाओ, ध्यान करो। अच्छा, कई लोग ऐसे गुरु तो बना लेते हैं, उनको यही पता नहीं है कि दर्पण कैसा है, और जिंदगी भर मुंह ताकते रहते पर दिखे ना कुछ, दिखे ना कुछ, क्योंकि दर्पण धुंधला है तो चेहरा दिखाने वाला चकाचक महात्मा होना चाहिए। गुरु ज्ञान का भंडार होना चाहिए, तप का भंडार होना चाहिए, प्रेम का भंडार होना चाहिए, न्याय का भंडार होना चाहिए, दया का भंडार होना चाहिए और शक्ति का भंडार होना चाहिए। इतने सारे गुण होने चाहिए। और हम भावना में आके कैसे भी जल्दी जल्दी गुरु गुरु बना लेते, कहीं भी कोई बाबा सा दिख रहा है अपने को गुरु मान ले। फिर जीवन भर भटकते रहते इधर उधर, गुरु भी कर रखा है और ज्ञान की जरूरत पड़ती है तो दूसरे महात्मा को फिर याद करना डबल हो। ज्ञान चाहिए, अनुष्ठान चाहिए, तो फिर कोई दूसरा महात्मा ढूंढना पड़ता है। इसीलिए समझ सोच कर जैसे सामान खरीदते हैं, घर बनाते हैं, वैसे गुरु भी बनाना है। अच्छा बताओ, आंख बंद करके कोई घर बनाता है? नहीं बनाता। 6 महीने बाद बनाएंगे, पर आर्किटेक्ट ढूंढते, अच्छे कोई अच्छा नक्शा बना दे, कोई अच्छे से समझा दे, मन को संतुष्ट कर दे, तब लोग हम शुरू करते हैं। और कई सारे नक्शे फेल करते हैं, कई चित्रों को हम कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो घर बनाने के लिए हम इतना सारा नियोजन करते हैं पर जीवन बनाने के लिए कुछ नहीं।
बस धक्का चल रहा है।